आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मौसम न्यूज़ में। पंजाब से लेकर दिल्ली तक लू ने किया बेहाल। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। जाने देश भर के मौसम का हाल, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वेल आइकन दबाकर आल पर जरूर क्लिक कर दें। आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है। उत्तर भारत के कुछ राज्य में भीषण गर्मी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग IMD की माने तो 17 जून तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसाम, मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून आने के बाद से ही देश के कुछ हिस्से में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली के मौसम का हाल, दिल्ली में तो जैसे आसमान आग उगल रहा है। गर्मी के कारण दिल्ली के लोगों को पानी और बिजली की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग IMD ने 19 जून तक दिल्ली में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान तेज गर्म हवा चलने की आशंका जताई है। IMD के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। देश के मौसम का हाल, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान कोकाण और गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थान पर भारी बारिश संभव है। वहीं आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, पंजाब के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से में लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिमी इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम उत्तराखंड और आसपास के इलाके में एक चक्रवाती संरक्षण औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है। UP से सटे बिहार में 17-18 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। बिहार में मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। कुछ जगह पछुआ हवा का प्रकार कम हुआ है, पूर्वा से अपने पांव पसारे हैं। इस वजह से लोग पसीने पसीने गर्मी से 2-4 हो रहे हैं। शाम को तेज हवा थोड़ी राहत दे रही है, ये मानसून के आगमन के संकेत हैं। बिहार में मानसून का प्रवेश किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते होगा। यहाँ कुछ दिन तक मध्य स्तर की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।